हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल एडूफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार, आज आप सबके बीच हमारा जो ये इंट्रोडक्शन टू एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज जो सब्जेक्ट है, आज उसका आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत ही क्रूशियल है इस सब्जेक्ट का, और हमारे डेली लाइफ में भी बहुत उसका इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे आइदर वी कैन से ऑन आवर हेल्थ ऑल्सो या ऑन आवर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑल्सो। ठीक है, तो उसी का आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम आप सबके बीच डिलीवर करने वाले हैं। एंड आई होप माय डियर स्टूडेंट्स कि अभी तक जो भी हम लोग पीछे का लेक्चर पढ़े हैं आप उन टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें, समझें। कभी भी आपको कोई दिक्कत हो रही है, डाउट हो रही है सब्जेक्ट में, तो आप मैं आई ऑलवेज से यू आर फ्री टू आस्क विथ मी एनी टाइम एनी वेयर। ओके, सो विदाउट एनी डिले वी शुड कम टू आवर टॉपिक दैट वी हैव टू कवर टूडे। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है ये वेदर हैजार्ड्स, ड्रॉट, फ्लड्स, फ्रॉस्ट, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस सच एज हीट वेव एंड कोल्ड वेव। मतलब वेदर हैजार्ड्स क्या होते हैं और वेदर हैजार्ड्स के कौन कौन से वेदर हैजार्ड्स बोले तो ऐसे कितने प्रकार के वेदर हैजार्ड्स हैं जो हमारे ह्यूमन के लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, एज वेल एज हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, हमारे इकोसिस्टम को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, यहाँ पे वेदर हैजार्ड जैसे टोर्नाडो हो गया, हेल हो गया, लाइटनिंग हो गया, विंड हो गया, फ्लडिंग हो गया, ये सब एक वेदर हैजार्ड्स के एग्जाम्पल्स हैं जो कि कैसे हमारे डेली लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, उन्हीं से रिलेटेड आज हम लोग पढ़ेंगे। कैसे इन चैलेंजेस को हम मिटिगेट करें, कैसे इन जो भी सीवियर चैलेंजेस हमारे इन्वायरमेंट में ऑकर होते हैं कैसे इनसे फाइट किया जाए, और इनके अकॉर्डिंग हम अपने डेली लाइफ को मतलब रन करें, साथ ही साथ अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को भी हम मेंटेन किए रखें, उनसे रिलेटेड आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले कि वेदर हैजार्ड्स क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय वेदर हैजार्ड्स। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स एज यू कैन सी हियर कि वेदर हैजार्ड्स क्या हैं, जैसे कि डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, वेदर हैजार्ड्स आर कंडीशंस व्हिच आर अनफेवरेबल टू पीपल एंड देयर एक्टिविटीज दैट रिजल्ट फ्रॉम वेदर फेनोमेना। ओके, वेदर हैजार्ड्स क्या है, ये एक ऐसा कंडीशंस है, ये एक ऐसा सिचुएशन है जो कि हम लोगों के लिए, हमारे ह्यूमन के लिए क्या होता है, अनफेवरेबल होता है। मतलब ऐसा कंडीशन जो हमारे लिए हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर आती है। ठीक है, तो वेदर हैजार्ड्स क्या है, एक ऐसे कंडीशन है जो कि अनफेवरेबल है हम लोगों ह्यूमन के लिए, एंड देयर एक्टिविटीज और जो भी उनके द्वारा जो भी काम किए जाते हैं, जो भी इफेक्ट होते हैं, वो बहुत ही सीवियर रिजल्ट करते हैं, बहुत ही उसका नुकसान होता है। ठीक है, उस वेदर फेनोमेना से, तो उसे हम क्या कहते हैं, वेदर हैजार्ड्स कहते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वेदर हैजार्ड्स एंड मोस्ट कैनॉट बी प्रिवेंटेड ऑल्दो देयर इफेक्ट्स कैन बी मिटिगेटेड। वेदर हैजार्ड्स तो वैसे बहुत तरीके के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं, बट उनको हम रोक तो नहीं सकते हैं क्योंकि वो नेचुरल, कुछ उसमें नेचुरल फेनोमेना है जिनको हम रोक नहीं सकते, उनका भी आना जरूरी है। ठीक है, बट उनके इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं, उनके इफेक्ट को हम उनके चैलेंजेस को फेस करके अपने काम को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला हमारा जो टॉपिक, पहला जो हेडलाइंस था वेदर हैजार्ड्स के बारे में था। आगे देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि वेदर हैजार्ड्स का सबसे पहला हैजार्ड्स कौन सा है जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। तो एज यू कैन सी हियर कि वेदर हैजार्ड्स, सबसे पहला जो वेदर हैजार्ड्स यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ड्रॉट देख रहे हैं। ड्रॉट क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं, ड्रॉट अगर हिंदी में बोले तो क्या होता है, सूखा, इसे हम बोलते हैं। ठीक है, द ड्रॉट कैन बी डिफाइंड बाई सेवरल वेज। फर्स्ट डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द कंडीशन अंडर विच क्रॉप्स फेल टू मैच्योर बिकॉज ऑफ इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू रेन्स। क्या लिखा हुआ है कि ऐसा कंडीशन, ऐसा सिचुएशन जिससे हमारा क्रॉप क्या होता है, फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, किस चीज़ के लिए, मैच्योर होने में, मतलब फुली डेवलप होने के लिए। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इनसफिशियंट पानी का सप्लाई नहीं होता है रेन के थ्रू, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, उस पर्टिकुलर एरियाज में ड्रॉट कंडीशन ऑकर होता है, हमारे क्रॉप पूरी तरह से फेल्योर हो जाते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, द सिचुएशन इन विच द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपीरेशन एंड एवेपोरेशन बाई प्लांट्स इन डिफाइंड एरिया एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर इन द सॉइल। माय डियर स्टूडेंट्स, ये ड्रॉट का एक दूसरा डेफिनेशन है, क्या लिखा हुआ है कि ये ऐसे कंडीशन होते हैं कि जो हमारे मिट्टी में जो मॉइस्चर प्रेजेंट रहते हैं, तो एक ऐसा कंडीशन आता है कि उस कंडीशन में जो हमारे मिट्टी में जो टोटल मॉइस्चर प्रेजेंट है वो क्या कर जाता है, वो ट्रांसपीरेशन और इवेपोरेशन के माध्यम से हमारे क्रॉप प्लांट्स के थ्रू क्या हो जाते हैं, वो
इवेपोरेट हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, तो उस केस में भी क्या हो जाता है, हमारे प्लांट्स को ड्रॉट का सिक्वेंसेज फेस करने पड़ जाते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, माय डियर स्टूडेंट्स, अ सिचुएशन ऑफ नो प्रेसिपिटेशन इन एनी रेनी सीजन फॉर मोर देन 15 डेज कंटिन्यूअसली, सच लेंथ ऑफ नॉन रेनी डेज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ड्राई स्पेल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई ऐसा सिचुएशन जहाँ पे 15 दिन से ज़्यादा किसी सीजन में, रेनी सीजन में अगर बारिश नहीं हो रही है, प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है लगातार, तो उस कंडीशंस को भी, उस नॉन रेनी डेज को भी हम क्या कहते हैं, ड्राई स्पेल्स, ड्रॉट के माध्यम से उसे हम डिफाइन करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, ड्रॉट क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए अभी हमें इस पर्टिकुलर, अभी जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें ज़्यादा डिटेल में ड्रॉट के बारे में नहीं पढ़ना है, बस हमें कुछ वेदर हैजार्ड्स के बारे में पढ़ने हैं। ठीक है, और बाकी इस ड्रॉट के, तो वैसे ड्रॉट एक टॉपिक ही, एक अलग है ड्रॉट, टाइप्स ऑफ ड्रॉट होते हैं, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या है हमारे एग्रीकल्चर पे, कैसे ड्रॉट कंडीशंस को मिटिगेट करें, तो वो अभी यहाँ पे इन चीज़ों को हमें नहीं पढ़ने हैं। बट अभी सिंपल हमें थोड़ा बेसिक जानना है कि ड्रॉट क्या होते हैं, फ्लड क्या होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, ओके, हेल स्टॉर्म क्या होते हैं, हीट वेव, कोल्ड वेव क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग को थोड़ा बेसिक इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं, दूसरा क्या है, ये हैजार्ड्स, फ्लड। माय डियर स्टूडेंट्स, ड्रॉट और फ्लड दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ड्रॉट में पानी नहीं होता है और फ्लड में क्या होता है, पानी ही पानी हो जाता है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्लड का हिंदी क्या होता है, बाढ़ होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ईयर्स इन विच एक्चुअल रेनफॉल इज अबव द नॉर्मल बाई ट्वाइस द मीन डेविएशन और मोर इज डिफाइंड एज ईयर्स ऑफ फ्लड्स और एक्सेसिव रेनफॉल। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कि ऐसा साल जहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल क्या होती है, ट्वाइस मीन ट्वाइस डेविएशन से भी ज़्यादा, वहाँ पे ट्वाइस उसका मीन डेविएशन से भी ज़्यादा रेनफॉल ऑकर हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, फ्लड कहते हैं या एक्सेसिव रेनफॉल कहते हैं। मतलब जितना हमें एक साल में रेनफॉल चाहिए, सपोज हमें एक साल में, सपोज एग्जांपल के तौर पे हमें 1194 mm हमें रेनफॉल चाहिए, बट उस कंडीशन में क्या होता है, उसका डबल रेनफॉल हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं नॉर्मल के कंपेरिजन में ट्वाइस द मीन डेविएशन अगर रेनफॉल हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, वो फ्लड होता है, या उसे एक्सेसिव रेनफॉल हम बोलते हैं। ठीक है, अभी क्या लिखा हुआ है, माय डियर स्टूडेंट्स, लाइक ड्रॉट्स द डेफिनेशन ऑफ फ्लड्स ऑल्सो वेरीज वन सिचुएशन टू अनदर एंड फॉर्म्स ऑन वन रीजन टू अदर। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आइए, जैसे फ्लड सिचुएशन वेरी करता है रीजन टू रीजन, तो लाइक वाइज फ्लड का भी डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन वेरी करते हैं आपके सिचुएशन टू सिचुएशन, रीजन टू रीजन। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्या लिखा हुआ है उसमें, फ्रॉस्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस टाइप का जरूर देखे होंगे कंडीशंस अपने, जब ठंड के मौसम में हमारे फसल पे क्या पाला पड़ जाता है, तो ऐसा आपने, आप लोग कंडीशंस देखे होंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, फ्रॉस्ट क्या है, फ्रॉस्ट इज अ वाटर वेपर और वाटर इन अ गैस फॉर्म दैट बिकम्स सॉलिड्स। माय डियर स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है, कि फ्रॉस्ट एक ऐसा क्या है, एक वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, और या वाटर गैस के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, जहाँ पे क्या होता है, हमारे वो एक सॉलिड के रूप में बन जाता है, हमारे फसल पे सॉलिड के रूप में बन जाता है, जिससे कि हमारे फसल्स का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता, जो भी उनमें प्रोसेस होते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते हैं। आगे जैसे देखते हैं हम लोग, फ्रॉस्ट यूजुअली फॉर्म्स ऑन ऑब्जेक्ट्स लाइक कार्स, विंडोज एंड प्लांट्स दैट आर आउटसाइड इन एयर दैट इज सैचुरेटेड और फिल्ड विथ मॉइस्चर। फ्रॉस्ट क्या होते हैं, पाला हम हिंदी में कहते हैं इसे, कि ये जनरली किसी भी ऑब्जेक्ट पे ऑकर हो जाते हैं, जैसे कार हो गया, विंडो हो गया, ठंड के मौसम में हम लोग देखते हैं ना, विंडो पे, कार पे, प्लांट्स हो गया, उस पर क्या पाला जम जाता है, ओस जम जाता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, और जो बाहर में जनरली जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके ये ऑकर होते हैं, जो कि जनरली मॉइस्चर से फिल्ड हो जाते हैं, ठीक है, भर जाते हैं। आगे क्या लिखा हुआ, एरियाज दैट हैव अ लॉट ऑफ फॉग ऑफन हैवी फ्रॉस्ट। जिस क्षेत्र में ज़्यादा फॉग होते हैं, कुहा होते हैं, वो जनरली वहाँ पे क्या होता है, हैवी फ्रॉस्ट होने के चांसेज ऑकर होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, माय डियर स्टूडेंट्स, अगला वेदर हैजार्ड्स क्या है हमारा, ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑल्सो कॉल्ड टाइफून और हरिकेन। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या, अलग अलग क्षेत्र में इसको अलग अलग नाम से भी हम जानते हैं, जैसे टाइफून हो गया, हरिकेन हो गया। ये क्या है, इंटेंस सर्कुलर स्टॉर्म, ये एक स्टॉर्म के बहुत ही भयानक तरीके, भयानक रूप है, जो क्या होता है, दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम वार्म ट्रॉपिकल ओशंस एंड इज करेक्टराइज बाई लो एटमोस्फेरिक प्रेशर, हाई विंड्स एंड हैवी रेन। ये क्या होता है, इनका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, वार्म ट्रॉपिकल ओशंस के पास इनका फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होते हैं, और जनरली कहाँ पे ये होते हैं, लो एटमोस्फेरिक प्रेशर साइड, जहाँ पे हवा तेज चलती है, वहाँ पे क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑकर होता है, और साथ में
भारी वर्षा भी लेके आती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ड्रॉइंग एनर्जी फ्रॉम द सी सरफेस एंड मेंटेनिंग इट्स स्ट्रेंथ एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स ओवर वार्म वाटर अ ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट्स विंड्स दैट एक्सीड 119 किलोमीटर पर आवर। ये मतलब ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं कहाँ से ऑकर होते हैं, सी सरफेस से ऑकर होते हैं, अपने साथ पूरे एनर्जी को लेकर आते हैं और अपने स्ट्रेंथ को मेंटेन किए रहते हैं और जहाँ पे ठीक है तो और दूसरा क्या होता है और जो जहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होते हैं वहाँ पे क्या होता है अपना पूरा का पूरा वहाँ पे स्ट्रेंथ दे देता है। स्ट्रेंथ बोले तो वहाँ पे रेनफॉल क्रिएट होता है, वहाँ पे हवा तेज चलता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि विंड्स कितने स्पीड तक यहाँ पे एक्सीड होते हैं 119 किलोमीटर पर आवर, इतने स्पीड से विंड उस क्षेत्र में चलते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, माय डियर स्टूडेंट्स, इन एक्सट्रीम केसेज विंड्स में एक्सीड 240 किलोमीटर पर आवर एंड गस्ट्स में सरपास 320 किलोमीटर पर आवर। विंड जो होते हैं इस केस में इनका स्पीड बढ़ भी सकता है 240 किलोमीटर और गस्ट जो उनके जो फोर्स होते हैं वो और भी स्पीड उनके बढ़ सकते हैं 320 किलोमीटर तक वो स्पीड अपना मेंटेन कर सकते हैं, बनाए रख सकते हैं और आप उम्मीद लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि वो कितना नुकसान पहुंचाते होंगे उस क्षेत्र में जहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑकर होता होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों को जस्ट इस टॉपिक में हल्का बेसिक डिटेल्स बेसिक पढ़ने हैं, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं देखने हैं और हमने साइक्लोन के बारे में पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, तो आप उन चीज़ों को अभी उतना डिटेल्स यहाँ नहीं देखेंगे कि हमें डिटेल्स में क्यों नहीं पढ़ा, बस अभी हमें जस्ट वेदर हैजार्ड्स के बारे में देखना है। ठीक है, आगे देखते हैं कि वेदर हैजार्ड्स कौन कौन से हैं और उसके क्या इम्पैक्ट हैं। ठीक है, कैसे वो हमारे इकोसिस्टम को डैमेज करते हैं, थोड़ा मोड़ा हम लोग उसके बारे में अभी देख रहे हैं। आगे देखते हैं हमारे डियर स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस क्या होते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम बोले तो ऐसे वेदर कंडीशंस जो बहुत ही हाई लेवल पर होते हैं जिनसे कि बहुत सारे नुकसान होने के चांसेज ज़्यादा होने के वहाँ पे ओकर होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हीट वेव, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस कौन से, हीट वेव, अभी हीट वेव चल रहा है। ठीक है, अभी हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, हीट वेव जनरली हो रहा है, अभी गर्मी के मौसम में हीट वेव चलता है। तो हीट वेव इज़ अ पीरियड ऑफ एक्सेसिवली हॉट वेदर विच मे बी एकॉम्पेनाइड बाई हाई ह्यूमिडिटी एस्पेशली इन ओशनिक क्लाइमेट कंट्रीज। हीट वेव जनरली किस समय पे जनरली ऑकर होता है, हॉट वेदर कंडीशंस में हीट वेव चलता है। ठीक है, और ये हाई ह्यूमिडिटी के साथ ऑकर होता है। ठीक है, और जनरली ओशनिक क्लाइमेट कंट्रीज में जनरली ये हीट वेव ऑकर होता है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ, वाइल डेफिनेशन वैरी, अ हीट वेव इज अ मेजर्ड रिलेटिव टू द यूजुअल वेदर इन द एरिया एंड रिलेटिव टू द नॉर्मल टेम्परेचर्स फॉर द सीजन। डेफिनेशन वैरी करते हैं, हीट वेव क्या है, ये एक रिलेटिव है, रिलेटिव कंडीशंस है यूजुअल वेदर के कंपेरिजन में किसी भी क्षेत्र में, और ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, वैरी करते हैं सीजन टू सीजन और एरिया टू एरिया। ठीक है, आगे देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हीट वेव बोले तो गर्म एक तरह से हवा बोल सकते हैं हम लोग, उससे रिलेटेड है। कोल्ड वेव क्या है, ठंड। हीट वेव जनरली क्या, हॉट वेदर कंडीशंस में होंगे, कोल्ड वेव क्या, जनरली ठंड के मौसम में होते हैं। कोल्ड वेव इज अ रैपिड फॉल इन टेम्परेचर विद इन अ 24 आवर पीरियड रिक्वायरिंग सब्सटैंशियली इंक्रीज्ड प्रोटेक्शन टू एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कॉमर्स एंड सोशल एक्टिविटी। कोल्ड वेव क्या है, ये जनरली टेम्परेचर में जब रैपिड फॉल होते हैं, टेम्परेचर हमें जब एकाएक कम हो जाता है 24 आवर पीरियड के अंदर में, तो उस समय क्या हो जाते हैं वहाँ पे हमें एग्रीकल्चर हो गया, कोई भी इंडस्ट्री हो गया, कमर्स इंडस्ट्री हो गया, उसको हमें क्या, उस चीज़ों से हमें प्रोटेक्शन करने होते हैं। मतलब टेम्परेचर का सडन फॉल होना जनरली वो क्या होता है, कोल्ड वेव होते हैं। ठीक है, दिस द प्रिसाइज क्राइटेरियन फॉर अ कोल्ड वेव इज डिटरमाइंड बाय द रेट एट विच टेम्परेचर फॉल्स एंड द मिनिमम टू विच इट फॉल्स। ये मतलब क्राइटेरिया क्या है, कैसे आप क्या किस क्राइटेरिया पर जज करेंगे कि कोल्ड वेव कैसे हो रहा है, क्या इसका कंडीशन होते हैं, तो इसके क्या क्राइटेरिया है, जैसे टेम्परेचर फॉल होता है कितना लेवल से टेम्परेचर फॉल हो रहा है उस क्राइटेरिया पर हम कोल्ड वेव को डिसाइड करते हैं। ठीक है, और कितने लेवल तक टेम्परेचर फॉल हो रहा है, तो जब टेम्परेचर जब फॉल होगा खूब नीचे माइनस में चला जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे कोल्ड वेव हवा, कोल्ड हवा चलेगा, और कोल्ड हवा चलेगा तो हमारे हर लाइफ के एक्टिविटीज़ को ये क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, जैसे कि हीट वेव गर्म के मौसम में समर सीजन में चलता है, ठीक है, वैसे ही कोल्ड वेव ठंड के मौसम में चलता है, और दोनों सीवियर इम्पैक्ट करते हैं हमारे हेल्थ को एज वेल एज हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, हमारे इंडस्ट्रीज को, कमर्स सोशल एक्टिविटीज़ को। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। जैसे कि आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं, हीट वेव, कोल्ड वेव, जनरली ये ठंड के मौसम में ऐसे आप लोग फेस किए भी होंगे, एकदम कुहा हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, वहाँ पे ठंड हवा चलती है। हीट वेव जैसे सन का जितना टेम्परेचर, सोलर रेडिएशन जितना मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा उतना क्या होगा, हीट वेव चलेगा और
एकदम मौसम क्या हो जाता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाते हैं, एकदम गर्मी ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है कि हम लू का भी कंडीशन फेस करते हैं, बहुत ही बाहर निकलना मुश्किल हो जाते हैं हम लोगों के लिए। साथ ही साथ लाइव स्टॉक हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हर इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही एक सिचुएशन एक बहुत ही मतलब डैमेजिंग सिचुएशंस ऑकर होते हैं, ठीक है, जिनसे क्या होता है जिनको जिन इन सिचुएशंस को मिटिगेट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेज है। कैसे हम इन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को इस इन्वायरमेंट में हम ढालें, जिससे क्या हो हम अपने काम को भी सही तरीके से कर लें और हम और काम को सही तरीके से करें और साथ ही साथ हम इन सिचुएशंस को फेस भी ना करें, ठीक है, और कैसे इनको मिटिगेट करें वो चीज़ हमें क्या इन चीज़ों में हमें जनरली देखने पड़ते हैं। हीट वेव हो गया, कोल्ड वेव हो गया, फ्रॉस्ट, फ्लड्स हो गया, ड्रॉट हो गया। आगे माय डियर स्टूडेंट्स, आगे का जो टॉपिक है इसमें हम लोग इसे नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक अभी हम लोग आगे लेक्चर में कवर करेंगे वो क्या है हमारा, मॉडिफिकेशंस ऑफ क्रॉप माइक्रो क्लाइमेट क्लाइमेटिक नॉर्मल्स फॉर क्रॉप एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्रॉप माइक्रो क्लाइमेट क्या होते हैं, सबसे बड़ा तो क्वेश्चन यहाँ पे आपको ऑकर होगा कि माइक्रो क्लाइमेट क्या होते हैं, ठीक है, क्लाइमेटिक नॉर्मल्स क्रॉप एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शंस के लिए हमें क्या क्लाइमेटिक नॉर्मल्स को क्रिएट करने हैं जिससे कि हम अपने काम को सही तरीके से प्रोग्रेस कर सकें। तो नेक्स्ट लेक्चर में माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक आप सबसे रिक्वेस्ट है माय डियर स्टूडेंट्स कि जो भी हमने अभी टॉपिक पढ़ा उसे आप एक बार अच्छे से कवर करें और रिपीट करें, रिवाइज करें, ठीक है, प्रैक्टिस करें, तभी आपका टॉपिक क्लियर होंगे और आपको एक एक पॉइंट क्लियर होंगे। और माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है किसी भी टॉपिक में तो आप मेरे से बेशक पूछें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू।